दोस्तों आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप फ्लाइट मोड में भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, फ्लाइट मोड में डालते ही नेटवर्क गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक भी नेटवर्क नहीं रहता है, यहां तक कि हम डेटा तक ऑन नहीं कर पाते हैं, तो इंटरनेट चलाना तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी है, पर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप आसानी से फ्लाइट मोड में भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे जानना चाहते हैं आप, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है ना। देखिए, मैं रोजा रह के भी आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आप ही का फायदा रहेगा। एक तो होगा ये कि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, दूसरा ये कि आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि फ्लाइट मोड में भी इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, ये हो गया फ्लाइट मोड। उसके बाद हम डायलर में जाएंगे, डायलर में जाके टाइप करेंगे *#*#4636#*#*#। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोन इन्फॉर्मेशन 1 और फोन इन्फॉर्मेशन 2 दिया हुआ है, तो हम फोन इन्फॉर्मेशन 1 पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोबाइल रेडियो पावर, इसको ऑन कर देंगे। और फिर हम बैक जाके फोन इन्फॉर्मेशन 2 पे भी क्लिक करेंगे, कब, जब आपका डेटा दोनों सिम में हो, तो बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पे मोबाइल रेडियो पावर को ऑन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनेबल डेटा कनेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड चालू हो गया, मतलब इंटरनेट ऑन हो गया। अब हम टेस्ट करते हैं यूट्यूब चला के, ये देखिए हमने सर्च किया टेक्निकल मेहताब, ये देखिए मेरे वीडियोस आने लगे। अब मैं किसी वीडियो को प्ले करता हूँ, तो ये देखिए हो गया प्ले, ये देखिए दोस्तों वीडियो एकदम क्लीन चल रहा है, मतलब बफरिंग नहीं हो रही है। चलिए अब मैं आपको गूगल करके बताता हूँ, तो ये रहा गूगल, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट सर्फिंग में कोई इशू नहीं आएगा, एकदम फास्ट चल रहा है यहाँ पे ये। अब मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो ये सब इमेज शो होने लग जा रहा है। अब मैं वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सब वीडियोस हैं। चलिए अब हम फोन को नॉर्मल मोड में ले जाते हैं। नॉर्मल मोड में ले जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फ्लाइट मोड को हटा देना है, आपका फ़ोन नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब हो गया नॉर्मल मोड, अब दोबारा कोई कोड डालने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।